उसके बाद इस देश की संसद में 1952 में ये बात आई कि गोरक्षा का कानून बनना चाहिए। गांधी जी की आत्मा को श्रद्धांजलि यही होगी। तो गांधी जी के सबसे परम प्रिय शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में खड़े हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर गोरक्षा का कानून बनना चाहिए तो इस पर प्रस्ताव आना चाहिए। तो संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। वो आर्य समाजी थे और हर बार सोनीपत से चुनाव लड़के जीते वो भारत की संसद में। सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ और बहुत भयंकर वोटों से जीत के आए थे। वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। तो महावीर त्यागी ने कहा ठीक है, मैं मेरे नाम से प्रस्ताव लाने की तैयारी करता हूं। उन्होंने प्रस्ताव लाया, उस पर बहस हुई। बहस के बाद यह तय किया गया कि वोट किया जाए इस पर। तो जब वोट करने का दिन आया तो नेहरू जी ने एक बयान दिया जो लोकसभा के रिकॉर्ड पर है, आप चाहें तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते हैं। नेहरू जी ने कहा कि अगर आज ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा, अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा, मतलब गोरक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो कांग्रेसी नेता गोरक्षा के समर्थन में संसद में भाषण करे और गोरक्षा के समर्थन में वोट डालने को तैयार हुए, नेहरू जी का ये वाक्य सुनते ही सब पलट गए। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, नेहरू जी अगर छोड़ दें पद तो फिर क्या होगा? सरदार पटेल की तब तक स्वर्गवास हो चुका था 1950 में, तो नेहरू जी अकेले नेता रह गए थे कांग्रेस में। कांग्रेसियों को ऐसा लगता था नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू, भारत है तो नेहरू है, नेहरू है तो भारत है। और ये नारे बहुत बार लगाए गए इस देश में। कई बार ये भी कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। शायद इनकी स्वभाव ऐसी है कांग्रेसियों की। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने इस्तीफा दिया तो हम तो फिर गए। तो इतना हंगामा किया संसद में कि वोट ही नहीं हुआ और अगले दिन महावीर त्यागी को मजबूर कर दिया और वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। महावीर त्यागी ने प्रस्ताव वापस लेते समय भाषण किया और वो बहुत ही जोरदार भाषण है, वो भी लोकसभा के रिकॉर्ड्स में है। उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर नेहरू, पंडित नेहरू, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप महात्मा गांधी के परम प्रिय शिष्य हैं। गांधी जी ने वायदा किया था कि आजादी मिलने के बाद पहली सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गोरक्षा का बनेगा। अब आप ही उससे हट रहे हैं तो हम कैसे माने कि आप गांधी जी के शिष्य हैं? इससे भी आगे कहा कि नेहरू जी, मैं आपको आपके पुराने भाषणों की याद दिलाता हूं जो आपने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह दिए हैं और हर जगह आपने एक ही बात कही है कि मुझे किसी कत्ल खाने के सामने से गुजरना पड़े तो घिन आती है और अंदर से आत्मा द्रोह करती है, ये कत्ल खाने तत्काल बंद हो, ये आपने कितनी बार कहा है। लेकिन जब समय आया कानून बनाने का और गो हत्या रोकने का तो आप पीछे हट रहे। नेहरू जी ने उनके इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, बात आई गई हो गई, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद सन 1956 में नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी सभी मुख्यमंत्रियों को, भारत के मुख्यमंत्रियों को, और उसका पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अंग्रेजी में लिखी लेकिन मैं हिंदी में बताता हूं। वो लिख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि देखिए, अगर हमने गाय का कत्ल बंद करा दिया तो भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा बहुत कम हो जाएगी और गाय ही एक ऐसी जीव है जो इस समय हमको सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा दे रही है और गाय का कत्ल करके जो मांस है वो बहुत महंगा हम बेचते हैं और इस गाय के शरीर से निकला हुआ जो चमड़ा है ये भी बहुत बड़े पैमाने पर हम निर्यात करते हैं।
और गाय को कत्ल करके जो चमड़ा उतारा जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को सॉफ्ट जूते और चप्पल पहनने की आदत है, तो हम क्यों इसको निर्यात बंद करें? मैं आप सभी को अपील करता हूं कि आप अपने अपने राज्यों में गाय का कत्ल बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर सकें तो जरूर करें। ये नेहरू जी की चिट्ठी है और ये भी रिकॉर्ड में है। अब नेहरू जी का कौन सा स्वरूप सही था और कौन सा गलत, ये अभी फैसला करने का समय मैं मानता हूं कि आ गया है। जब वो गांधी जी के साथ मंच पे खड़े होकर भाषण करते हैं तो कहते हैं मैं कत्ल खाने के सामने से गुजरता हूं तो आत्मा चीत्कार करती है और मैं चाहता हूं कि सारे कत्ल खाने बंद हो, और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि गाय का कत्ल बंद मत करो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। उस पत्र का सबसे अंतिम वाक्य बहुत खतरनाक है, उसमें नेहरू जी लिख रहे हैं कि मान लो हमने गाय की हत्या बंद करा दी और गोरक्षा होने लगी तो सारी दुनिया हम पर हंसेगी कि हम भारत को 18वीं शताब्दी में लेके जा रहे हैं। अर्थात नेहरू जी को यह लगता था कि गाय का कत्ल होने से देश 21वीं शताब्दी की ओर जाएगा और गोरक्षा होने से 18वीं शताब्दी में चला जाएगा। ये पत्र पढ़कर मैं बहुत विचलित हुआ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है रवि राय, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी मदद से यह पत्र मुझे मिला पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से। अब मैं तो कोई एमपी नहीं हूं, पार्लियामेंट में जा नहीं सकता, लाइब्रेरी में भी नहीं जा सकता, लेकिन एक दिन रवि राय जी को मैंने कहा कि आप निकलवा दीजिए, मुझे जरा पढ़ना है, ये इसकी फोटोकॉपी भी रखनी है, कभी भविष्य में काम आए, और वो फाइल भी देखनी है जिसपे नेहरू जी का नोट है। तो उन्होंने बेचारे ने बड़ी मदद की और ये सब निकलवा दिया। ये पढ़ के मैं बहुत परेशान हूं और मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नेहरू जी के जीवन में वो कौन सी बात थी जिसके कारण वो गोहत्या को चालू रखना चाहते थे। पत्र में वो लिख रहा है कि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है, तो क्या सिर्फ विदेशी मुद्रा ही एक बड़ा प्रश्न था या इसके पीछे भी कुछ और था? मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, वो गलत भी हो सकता है, कि व्यक्ति अपने सार्वजनिक जीवन में जो कुछ भी करता है उसकी जड़ उसके निजी जीवन में जरूर होती है। वो भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश के किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, या कोई संत हो, महंत हो, साधु हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या साधारण किसान हो, मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सार्वजनिक जीवन में कुछ कर रहा है तो उसकी जड़ें उसके निजी जीवन में जरूर होती हैं। पब्लिक लाइफ में व्यक्ति जिस तरह से व्यवहार करता है उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइवेट लाइफ से निकलता है। माने नेहरू जी की प्राइवेट लाइफ में क्या था जो गाय की हत्या के लिए वो इतने परेशान, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। उनके निजी जीवन के बारे में, प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए, कम से कम 500 से ज्यादा अभी मेरे पास है। तो पता चला कि नेहरू जी स्वयं गाय का मांस खाते थे। इसके पहले मुझे इतना तो मालूम था कि नेहरू जी शराब पीते हैं, और यह भी मालूम था कि चेन स्मोकर हैं, दिन में 60 से 70 सिगरेट पीते हैं, और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में, लेकिन यह पहली बार पता चला कि वो गाय का मांस भी खाते हैं। और उनके गाय के मांस के भोजन को बनाकर तैयार करके लंच के रूप में भिजवाने का काम दिल्ली का वो होटल करता रहा जहां अभी थोड़े दिन पहले जॉर्ज बुश रुका। और नेहरू जी का एक लंच का खर्चा उस जमाने में 13,000 रुपए होता था, जिस पर भारत के एक समाजवादी नेता ने बड़ी कड़क टिप्पणी की थी, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने संसद में एक दिन बहुत जोरदार भाषण दिया था कि नेहरू तुम्हारा एक समय का भोजन का खर्च 13,000 रुपए, और भारत के 14 करोड़ लोगों को 2 समय खाने को रोटी नहीं, तुमको शर्म नहीं आती?
उस जमाने में संसद में लोहिया जी एक व्यक्ति थे जो नेहरू जी को इस तरह से बोल पाते थे, बाकी तो सब नेहरू के आगे पीछे दुम हिला के घूमते रहते थे। तो जब ये दस्तावेज मिल गए तो मैं समझ गया कि नेहरू जी के मन में गाय के प्रति जो प्रेम था वो दिखावे का था और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए था। एक बार प्रधानमंत्री बन गए अब तो कोई कष्ट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद तो कोई नहीं उनके सामने चुनौती देने वाला। तो उनका असली रूप पूरे देश के सामने आया। और ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं ये सब भारत की लोकसभा के रिकॉर्ड्स पर मौजूद हैं। कभी इतिहास लिखा जाए तो ये सब उसमें आ जाए।